हेलो फ्रेंड्स, अगेन यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ जेनेट विंटरसन एंड द नॉवेल इज द ऑरेंज आर नॉट द ओनली फ्रूट एंड दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1985। दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पेक्ट ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वर्क इज आस्क्ड इन द लास्ट ईयर्स पेपर एंड I would like to give you some basic information about this novel is that the novel is a semi-autobiographical novel and this novel based on the life of Janet Winterson and in this novel we see that the elements of a lesbian slip is also found but ek interview mein Janet Winterson ne ye bola tha ki ye ek lesbian novel nahi hai exactly this novel is a kunstler roman matlab jisme ek artist ka growing age dikhaya jata hai और इस नॉवेल का जो मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है इसका जैनेट। और ये नॉवेल जो डिवाइडेड है वो 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। नेट के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये मैं आपसे लास्ट में पूछूंगी क्योंकि इस नॉवेल को पढ़ने के बाद आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नॉवेल की जो मेन कैरेक्टर है वो है जैनेट। मैंने अभी आपको बताया ये एग्जैक्टली जो राइटर है जैनेट विंटरसन उनके ही नेम पे ये बेस्ड है। जैनेट यहाँ पे स्टार्टिंग में एक 7 ईयर ओल्ड गर्ल है और ये अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहती है। इसके पेरेंट्स जिसमें इस नॉवेल में एक्चुअली फादर का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन इसकी मदर की कैसे फुल कस्टडी अपने डॉटर के ऊपर रहती है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो जैनेट है ये अपनी एडॉप्टिव मदर के साथ रहती है। इसकी मदर एक्चुअली एक ऐसे बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती थी जो जिसका इंटरेस्ट सेक्स की तरह बिल्कुल भी ना हो। अब ये अपनी मदर के साथ रह रही है। इसकी मदर इसको जैनेट की मदर स्टार्टिंग में इसको घर पे ही एजुकेशन देती है। एग्जैक्टली वो एजुकेशन होती है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड। इसको बाइबल भी पढ़वाती है क्योंकि इसकी मदर एक फुली और एक ट्रूली क्रिश्चियन होती है। अब यहाँ पे ये जो जैनेट है ये अपनी मदर के साथ रह रही है। इसकी मदर ये चाहती थी कि इसकी बेटी पूरी तरीके से इसके ही जैसी बने, वो अदर बच्चों के जैसे ना हो। ठीक है, इसके बाद इसकी माँ इसका स्कूल में एडमिशन करा देती है। जब जैनेट स्कूल जाने लगती है तो ये अदर बच्चों से अलग होती है। इसको ऐसा फील होता है कि जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ। उसका रीजन ये था आउटसाइडर होने का क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करती थी। इसको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता था तो ये क्या करती थी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालती थी या पूरे एलिमेंट्स ऐसे होते थे जो कि क्रिश्चियनिटी से और बाइबल से रिलेटेड होते थे जो कि अदर बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और ये एक मजाक बन के रह गई थी दूसरे बच्चों के बीच में। एक दिन इसकी टीचर ने क्या किया, इसकी टीचर जो कि होती है यहाँ पे मिसेज वोल यहाँ पे इसकी मदर को इंफॉर्मेशन लेटर भेजती हैं और ये सारी सिचुएशन बताती हैं कि किस तरीके से जैनेट स्कूल में दूसरे बच्चों को हेल के बारे में बताती है, कैसे गॉड से हम लोगों को मर्सी मिल सकती है, ये सब चीज़ें बता के ये और बच्चों को यहाँ पे डराती है। तो ये बात सुन के उसकी मदर नाराज़ नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मदर भी तो यही चाहती थी कि उसकी जो बेटी है अडॉप्टिव है जैनेट वो पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी की तरफ टर्न ले। यहाँ पे उसकी मदर इस लेटर का कोई भी रिस्पांस नहीं देती। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मैं इवेंट बताती हूँ स्कूल जाने से पहले का। जब तक जैनेट स्कूल नहीं गई थी तो एक दिन उसको अचानक से हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सारे चर्च मेंबर्स होते हैं वो समझते हैं कि शायद इसके ऊपर कुछ गॉड की पावर है, इस टाइम ये रैप्चर में है तो इसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराते। लेकिन काफी टाइम के बाद एक चर्च मेंबर होती है जिनका नाम होता है यहाँ पे मिस ज्यूजबरी।
मिसेज जुइस बरी यहाँ पे इसकी मदर को बोलती हैं कि इस टाइम पे जेनेट किसी रैप्चर में नहीं है बल्कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। तब यहाँ पे इसकी मदर जेनेट को क्या करवाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। इधर पे हॉस्पिटल में इसके साथ जाती है एलसी जो कि एक दूसरी चर्च मेंबर होती है, वो जाती है हॉस्पिटल में, इसकी केयर करती है। जब ये पूरी तरीके से रिकवरी कर लेती है तब ये दोनों साथ में वहां से वापस आते हैं। जब जैनेट हॉस्पिटल में एडमिट थी तो यहाँ पे जो एलिसी थी वो इसको बहुत सारी चीजें बताती है, इस वर्ड के बारे में बताती है, गॉड के बारे में बताती है, पोएट्री के बारे में बताती है, वर्सेस के बारे में बताती है, और इस तरीके से इन लोगों का वहां पे टाइम पास हो जाता है और रिकवरी करने के बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब इसकी मदर इसको अब स्कूल में एडमिशन करा देती है। अब जब इसकी मदर को लेटर मिलता है तो इसकी मदर को पूरी तरीके से बिलीव हो जाता है कि अब मेरी डॉटर क्रिश्चियनिटी में पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, रंग चुकी है, मतलब पूरी तरीके से इंटरेस्ट ले रही है वो। अब जब धीरे धीरे यहाँ पे क्या सोचती है जेनेट की, अगर मैं क्रिश्चियनिटी पे या बाइबल पे जो मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ, जो मैं कोटेशन डालती हूँ, अगर मैं उसको यूज करना बंद कर दूँ तो शायद सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दे। तो यहाँ पे जेनेट ये भी एक्सपेरिमेंट करती है कि अब वो प्रोजेक्ट थोड़े से अलग बनाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को यहाँ पे आउटसाइडर ही मानती है। उसको लगता है कि अभी भी मैं एक क्या हूँ, मैं फन बन चुकी हूँ मैं सबके लिए। अब धीरे धीरे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है यहाँ पे जेनेट की, तो जब इसको रोमांस में इंटरेस्ट आने लगता है तो ये क्या करती है, सब लोगों की बातें सुनने लगती है। बातें मतलब जो भी वाइफ्स थी अपने हस्बैंड के बारे में बात करती थी, तो इसको लगता था कि ये जो मेल कैंडिडेट होते हैं ये एक बीस्ट लाइक क्रिएचर होते हैं। एक दिन क्या होता है कि इसकी माँ और ये जेनेट दोनों लोग बाहर जाते हैं और इसकी फ्रेंड से मिलते हैं, तो जेनेट की मदर की फ्रेंड भी उस टाइम पे अपने हस्बैंड की बातें कर रही होती हैं। इसको बहुत ही इंटरेस्ट आता है सुनने में। अचानक से इसकी नजर पड़ती है मेलेनी पे, मेलेनी पे जो कि एक फिश शॉप पे वर्क करती है। ये जेनेट उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन मेलेनी इससे बात नहीं करती। आफ्टर सम टाइम इन लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और अब यहाँ पे जेनेट फर्स्ट टाइम जब मेलेनी को चर्च लेके जाती है, उसको बताती है कि गॉड हम लोगों को कैसे सेव करते हैं, हम लोगों को कैसे कैसे काम करना चाहिए, तो यहाँ पे मेलेनी इससे एग्री हो जाती है। अब यहाँ पे मेलेनी का और जेनेट का एक दूसरे से क्लोज रिलेशन हो जाता है, ये लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। यहाँ पे जेनेट बार बार मेलेनी के घर जाती है, ये लोग बाइबल पढ़ते हैं और इनका रिलेशन एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जो कि फिजिकल हो जाता है यहाँ पे। उस फिजिकल रिलेशन के बाद अब इन लोगों का ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक दिन सरमन होता है तो उस सरमन में जो उस सरमन के जो मेन लीडर होते हैं वो यहाँ पे मेलेनी को और जेनेट को बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए डांटते हैं। जब डांटते हैं तो यहाँ पे जो मेलेनी होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पे सॉरी बोल के अपनी गलती मान के और रिपेंट करके वो वहां से वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो जेनेट होती है वो यहाँ पे कंटिन्यू आर्गुमेंट करती रहती है और बिना पछतावा किए ही विदाउट रिपेंट के यहाँ ये यहाँ से वापस भाग जाती है। तो जो चर्च मेंबर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद इसके ऊपर कोई डीमन का कंट्रोल हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको इस डीमन से दूर रखना चाहिए। तो 14 घंटे के लिए फॉर 14 आवर्स जो चर्च के मेंबर्स होते हैं वो अपना हाथ जेनेट के ऊपर रखे रहते हैं कि शायद ये दूर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जेनेट बिल्कुल भी अपनी चीज में रिपेंट करने के लिए नहीं बोलती है, नहीं करना चाहती है। तो इसकी मदर क्या करती है कि 36 आवर्स के लिए इसको पार्लर में बंद कर देती है और विदाउट वाटर विदाउट फूड। अब यहाँ पे जब जेनेट को ये लगता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो वो प्रिटेंशन करती है। क्या प्रिटेंशन करती है कि मुझे पछतावा करना है। क्या पछतावा करना है कि मुझे ये पछतावा करना है कि मुझे
फिर सिर्फ चर्च की चीजों को मानना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है। इस प्रिटेंशन के साथ वो बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे बाहर आती है तो यहाँ से मेलेनी डिसअपियर हो जाती है और जेनेट पूरी तरीके से अपने आप को चर्च की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है। अब यहाँ पे जेनेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी ड्यूटीज को इतने अच्छे से फुलफिल कर रही होती है कि इसको चर्च की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, वहां पे एक नया जो कैरेक्टर था वो आता है यहाँ पे, कैटी। कैटी यहाँ पे जो कि अभी रिसेंटली कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, यहाँ पे मेलेनी का फिर से कैटी के साथ रिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से चर्च के मेंबर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि शायद जेनेट को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत अच्छी चर्च में पोस्ट दे दी गई है, जिसकी वजह से मेलेनी अपने आप को मैन समझने लगी है। अब हमें क्या करना चाहिए, जेनेट को चर्च से बाहर निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पे जेनेट को चर्च से बाहर निकाल दिया जाता है और इसकी मदर भी इसको प्रेशर डालती है कि तुम घर छोड़कर भी चली जाओ, क्योंकि इसकी जो मदर थी वो प्योर क्रिश्चियन थी, सारे क्रिश्चियनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती थी। तो वो कहती थी मैं किसी भी एविल को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यहाँ से जेनेट अपना घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। अब चली तो गई है लेकिन विदाउट फूड, विदाउट मनी, विदाउट एनी सोर्सेज, विदाउट एनी रूफ, ये जाए तो जाए कहाँ। उस ड्यूरेशन में ये बहुत सारी जॉब करती है, वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब, लाइक मेंटल हॉस्पिटल में भी जॉब करती है और फ्यूनरल जो किया जाता है उसमें भी ये जॉब करती है, बर्तन धुलने का भी ये काम करती है। जेनेट इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। कुछ टाइम के बाद इसको ये लगता है कि मुझे अपनी मदर से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये एज अ फ्यूनरल वर्कर काम कर रही थी तो वहां पे किसकी डेड बॉडी आती है, एलसी की। तो ये एलिसी की डेड बॉडी को पहचान जाती है और ये पूरी रात एलिसी की डेड बॉडी की केयर करती है, उसका फ्यूनरल कराती है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे जो फ्यूनरल कराता है प्रीस्ट वो वहाँ पे नहीं आया हुआ था। नेक्स्ट डे जब वहाँ पे खाना सर्व होना था फ्यूनरल टाइम के बाद, तो ये वहाँ पे खाना भी सर्व करती है, जबकि ये सब चीज़ें चर्च के अगेंस्ट थी। जो चर्च का मेंबर होता है उसको ये सब चीज़ें करना अलाउ नहीं होती हैं। और वहाँ पे जब एलसी का वहाँ पे फीस्ट चल रहा था तो वहाँ पे मिस ज्यूस बैरी भी थी और वहाँ पे जेनेट की मदर भी थी। जब वो लोग जेनेट को इस तरीके से देखती हैं तो वो वहाँ से चली जाती हैं। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जेनेट के ऊपर। अब जेनेट को ये लगता है कि मुझे अपनी मदर से जाके मिलना चाहिए, तो जेनेट फिर से एक बार अपनी मदर से मिलने जाती है तो चीज़ें वैसे ही एज यूजुअल थी जैसे की थी। उसकी मदर अभी भी टिल नाउ बहुत ही ज़्यादा प्योर क्रिश्चियनिटी पे बिलीव करती थी, फुल क्रिश्चियन थी जैसे कि वो पहले फॉलो किया करती थी। यहाँ पे जेनेट और उसकी मदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जेनेट की मदर बताती है उसको कि किस तरीके से चर्च अब पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, जो वहाँ का नया बिशप बना है वो अपने मिस्ट्रेस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किस तरीके से करप्शन करने लगा है। और यहाँ पे उसकी मदर क्या करती है, रेडियो पे जो एक सर्मन आने वाला था उसको सुनने के लिए वहां से चली जाती है और वहां पे जेनेट अकेले बच जाती है और इस तरीके से ये नॉवेल यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इस नॉवेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब नेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था, उसमें चार ऑप्शन दिए थे और ये पूछा गया था इसमें कौन सा लेस्बियन नॉवेल नहीं है, तो एग्जैक्टली यही नॉवेल है। ऑरेंज आर नॉट द ओनली फ्रूट जो कि लेस्बियन नॉवेल नहीं है। नो डाउट कि जेनेट का दो बार रिलेशन डेवलप होता है, फिजिकल रिलेशनशिप, लेस्बियनशिप का थोड़ा सा आपको यहाँ पे एलिमेंट देखने को मिलेगा। बट अपने एक इंटरव्यू में जेनेट विंटरसन ने खुद कहा था
ये नॉवेल कोई लेस्बियन नॉवेल नहीं है, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और जो नरेटर है वो एग्जैक्टली राइटर पे ही बेस्ड है, मिस जैनेट विंटरसर पे। तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये नॉवेल समझ में आई है, अगर आपको लगे इस नॉवेल से आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और तब तक मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल नाउ बी सेफ एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।